धनबाद पब्लिक स्कूल के बस के धक्के से ढांगी मोड़ के समीप शुक्रवार को 21 वर्षीय युवती मुस्कान गोस्वामी चपेट में आ गई थी। स्कूल बस के चपेट में आने से युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद आज परिजनों के द्वारा उचित मुआवजा और नियोजन को लेकर धनबाद पब्लिक स्कूल के समीप रोड जाम किया गया। वहीं मौके पर गोविंदपुर थाना में पहुंचकर वहां की स्थिति को संभाला। स्कूल प्रबंधन से वार्ता में 51,000 दाह संस्कार और नियोजन के लिए आवेदन देने की बात, मृतिका की मां को नौकरी देने पर सहमति बनी, जिसके बाद सड़क जाम को परिजनों ने हटाया, सौ को दाह संस्कार के लिए लेकर गए। बताते चले कि आज मृतक युवती की परिजन और NSUI के छात्र के द्वारा धनबाद पब्लिक स्कूल के समीप एम्बुलेंस में रखी युवती की सौ को लेकर रोड को जाम कर दिया और धनबाद पब्लिक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ जोर से नाराबाजी भी की। साथ ही कहा कि युवती के परिवार में कमाने वाली एकमात्र यही थी जो कि अभी नहीं रही, ऐसे में उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ भी पैसे और मुआवजा दिया जाए, साथ मृतका की मां को स्कूल में नौकरी दी जाए, तभी सौ को लेकर यहाँ से उठाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि आए दिन निजी स्कूलों के बस या वैन संचालित हो रहे हैं, जिसमें आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में जिला परिवहन पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि ऐसे स्कूल के बस और स्कूल वैन की जांच की जाए, जिसमें इंश्योरेंस फेल रहती है और गाड़ियों में भी कई कमियां रहती हैं। ऐसे में बस और वैन संचालक पर रोक लगाया जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। वहीं गोविंदपुर के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि युवती के परिजन के द्वारा रोड जाम की गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकर सहमति जताई और 51,000 अंतिम संस्कार के लिए दिया गया और साथ ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि मृतक की मां को नियुक्ति दी जाएगी। आपसी सहमत बनाकर सौ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने कहा कि युवती के परिजनों के प्रति सहानुभूति है, दाह संस्कार के लिए 51,000 दिया जा रहा है, मृतिका की मां को नियोजन के लिए स्कूल कमेटी से बात की जाएगी, युवती को दुर्घटना करने वाले बस के सभी कागजात ठीक हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। तो मतलब बच्ची बच सकती थी, सारा घर का खर्चा मेरे बच्ची चला रही थी, नियोजन चाहिए, नियोजन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इनके पास इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का, ये जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ये उसका मामला है, और भी जो गाड़ी चल रही है उसका क्या मतलब स्थिति है कि आप लोग जान सकते हैं, उसका भी इंश्योरेंस नहीं होगा। जो ड्राइवर चला रहे थे उसका लाइसेंस है या नहीं है, इसका क्या मतलब सबूत है। उसके बाद देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है, गाजन को नींबू के निचोड़ करके पैसा लेते हैं, और आज जो जिन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है उनके लिए कॉलेज प्रशासन खड़ा नहीं है, स्कूल प्रशासन। कल एक सरायडेला थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट की घटना हुई थी, उसमें एक बच्ची का दुखद वहां पे देहांत हो गया था घटनास्थल पर ही। बाकी FIR और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है, और परिजन का मांग है कि स्कूल प्रबंधन से कुछ मुआवजा मिले, तो स्कूल प्रबंधन से भी इन लोग का बात हुआ है, एक नियोजन का और कुछ मुआवजा का बात हुआ है, इस पर सहमति बनी है। हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट है, ये मानवता के नाते और हमको भी बहुत सहानुभूति है इस परिवार के साथ में, इसके नाते मैंने इन लोगों से बात की अभी, और इन लोगों को 51,000 रुपया तो हमने दिया है इनके दाह संस्कार के लिए, और इनको इनकी जो बेटी की जो माँ है, जो बेटी एक्सपायर उसकी जो मदर है, उसको नियोजन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो मैंने ये कहा है कि आप अपने एक चिट्ठी वगैरह हम लोग को एप्लीकेशन दे दीजिए, इसको बोर्ड मीटिंग में मैं कोशिश करूँगा किसका नियोजन हो जाए। सब टोटल पेपर अपडेट्स हैं, आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल में भी आप चेक कर लीजिएगा तो अभी आपको मिल जाए। तो इनको जो मुआवजा इंश्योरेंस से जो भी इनको 40 लाख 50 लाख जो भी मिलेगा वो इनको मिलेगा ही, और 2 लाख रुपए इनको दाह संस्कार का भी गवर्नमेंट देती है, वो भी इनको मिलेगा।